हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। और गाइस मैंने आपको पिछली वीडियो में एक चीज़ कही थी कि इस वीडियो में ना मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ जिससे आप सरप्राइज हो जाओगे। तो यार मैंने वो पिछली वीडियो में कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, लेकिन वो मेरे को अभी दिखानी है। पिछली वीडियो में कहा था ना कि नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, मतलब कि मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। ठीक है, मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। सो लेट्स बिगिन। तो भैया जी, ये रही आपके सामने वो चीज़ जो मेरे को आपको दिखानी थी। अरे घोड़े चलट, हाँ देखो देखो, मैंने अपना घर भी बना लिया है, बढ़िया सा, वो भी बड़ा सा। पहले आपने देखा होगा मेरा एकदम छोटा सा घर था, और यहाँ पर मैंने एकदम छोटे से, मतलब क्या, थोड़े से शेडर्स लगा लिए हैं जिससे एकदम मेरा पानी भी एकदम स्मूथ अच्छा लग रहा है, मतलब देखने में भी अच्छा लग रहा है, और थोड़ा मेरा वर्ल्ड भी शाइनी शाइनी सा लग रहा है। और देखो पानी के नीचे की दुनिया कितनी अच्छी लग रही है, एकदम ऐसे एकदम शाइनी शाइनी सा एकदम। वो देखो सूरज भी देखो एकदम गोल, वरना अगर जैसे हमारा नॉर्मल वर्ल्ड होता है उसमें एकदम ऐसा डब्बा वाला शेप, मतलब अलग ही लगता था, अजीब सा लगता था। देखो यहाँ पर मैंने एकदम गेट्स बना दिए हैं जिससे मेरा एकदम घर जो है, मतलब यहाँ पर देखो मैंने कमरों में डिवाइड कर दिया, जैसे एक ये वाला कमरा, फिर ये दूसरा कमरा, और मैंने यहाँ पर अंदर ही अंदर थोड़े से यहाँ पर दरवाजे भी लगा लिए हैं। और ये देखो पूरा ऐसे घूम के वापस आ जाता हूँ मैं, ये देखो मैं वापस उसी कमरे में आ गया हूँ। तो मतलब एक तरह मैंने, मतलब एक तरीके से थोड़ा सा बड़ा घर कर लिया है। अब बाद में मैं इसके ऊपर ना फ्लोर भी बना दूंगा, जैसे फ्लोर्स होते हैं ना। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो मेरा यही घर है, और मेरे को बाद में भी यहाँ पर फार्मिंग वार्मिंग सब करना है। आप बस धीरे धीरे देखते जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लेना, और लाइक कर देना वीडियो को अगर अच्छी लग रही हो तो। लेकिन अब फ़िलहाल मेरे को यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ ना, तो मेरे को यहाँ पर ना प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं कभी कभी इस जो चेस्ट के ऊपर ना चढ़ जाता था। तो अब मैं यहाँ पर इसको चेस्ट को शिफ्ट ही कर देता हूँ, नहीं चेस्ट को शिफ्ट, हाँ मैंने कर दिया। चलो चेस्ट को मैंने वैसे सोचा था भाई करूँ ना करूँ, लेकिन मैंने कर दिया। यहाँ पर मैं अपना जो भी मेरे को थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंट सामान लगता है, क्योंकि मैं यहाँ पर डाल दूंगा, क्योंकि मेरे को पता है अगर मैं गलती से मरम मुरा गया तो मेरा सारा सामान चला जाएगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसे बहुत बार हो चुका है इस गेम में, ऑन कैमरा भी ऑफ कैमरा भी। तो बस अभी ये तो यही था। लेकिन हाँ, मैंने बड़ी देर से सोच रहा था कि यार हम इस गेम में अभी तक, जैसे हमने इस वो सर्वाइवल सीरीज शुरू करी है, तब से मैं एक बार भी माइनिंग पे नहीं गया। तो क्या मैं माइनिंग पे जाऊँ? मैं सोच तो रहा हूँ मैं जाऊँ, लेकिन उससे पहले ना मेरे को एक काम करना है कि मेरे को ना लकड़ियाँ इकट्ठी करनी है, क्योंकि मेरे पास ना लकड़ियाँ है नहीं, क्योंकि मैं बहुत बार मर चुका हूँ इस गेम में। तो लकड़ियाँ ऐसी चीज़ हैं जो आपको काम आएंगी ही आएंगी। तो मैं यहाँ पर ना थोड़ी सी लकड़ियाँ इकट्ठे कर लेता हूँ और मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। लेकिन यहाँ पर मैं देखता हूँ कि मेरे पास ना एक्स ही नहीं है। ओ तेरी, अब यार अब एक्स लेके आने पड़ेगी, बना भी नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर मेरे पास वो क्राफ्टिंग टेबल भी नहीं है। तो वापस चलो घर पे, वापस जाना पड़ेगा। देखो यहाँ पर मैं एक्स तो ले आया हूँ, अब मैं एक्स से जल्दी से जाके मैं पेड़ को काट के जल्दी से आ जाऊँगा वापस। देखो अब अभी यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, थोड़ी सी शाम हो रही है, यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा अभी डर भी लग रहा है, क्योंकि मेरे को रात को बाहर निकलने में डर लगता है थोड़ा सा, क्योंकि ना जो क्रीपर्स और ये सब ना झुंड बना के ग्रुप बना के आ जाते हैं। अगर सिंगल सिंगल या फिर एक या दो आएंगे ना, फिर उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, उनमें तो आराम से पेल पाल के दूर कर देता हूँ। लेकिन रात को मैं अपना प्रेफर करता हूँ कि घर में ही रहो, सो जाओ जल्दी से, टाइम से सो जाओ, टाइम से उठ जाओ। और यहाँ पर मेरे को ना कोल भी बनाना है, क्योंकि मेरे को यहाँ पर जैसे माइनिंग करूँगा तो फिर वहाँ पर ना, जैसे नीचे करूँगा तो वहाँ पर मेरे को फिर वहाँ पर अंधेरा भी होगा, तो उसके लिए टॉर्च ही होंगी, क्योंकि टॉर्च ज़रूरी होती है, क्योंकि यार समझा करो ना, टॉर्च है, अंधेरे में तो कोई माइनिंग करूँगा नहीं, अंधेरे में तो रहूँगा नहीं। अब मेरे को लग रहा है कि मेरे यहाँ पर फुल हो चुकी है एकदम प्रिपरेशन की, हाँ भाई अब मैं जा सकता हूँ माइनिंग के लिए। मैं एक बार यहाँ पर कुछ देख लेता हूँ कि मेरा कुछ यहाँ पर रह तो नहीं गया ना, क्योंकि मैं कुछ इम्पोर्टेंट सामान यहाँ पर ले जाना चाहता नहीं हूँ। मैं यहाँ पर एक ना ऐसा करता हूँ, एक आयरन की पिकैक्स बना लेता हूँ।
Like a Hellcat.